वहीं शिवपुरी जिला मुख्यालय में 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के साथ प्रभारी मंत्री ने ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कलेक्टर और पुलिस के साथ परेड का निरीक्षण करते हुए सलामी ली। इस दौरान परेड की टुकड़ियों द्वारा हर्ष फायर किया गया। इस समारोह में प्रशासनिक अमले के साथ जनप्रतिनिधि और आम जन मौजूद रहे। तेजी से वैभवशाली और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। भारत की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की 4% सहभागिता को अगले 5 वर्ष में 5% तक ले जाने के लिए मध्य प्रदेश संकल्पित होकर कार्य कर रहा है। मध्य प्रदेश के नागरिक सदैव विकास की ललक और राष्ट्र के लिए प्रेम का परिचय देते रहे हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मध्य प्रदेश का बजट अगले 5 वर्ष में दोगुना करने की दिशा में सरकार काम कर रही है। विगत तीन वित्तीय वर्षों में राज्य शासन द्वारा अधोसंरचनात्मक पूंजीगत कार्यों के व्यय में निरंतर वृद्धि प्राप्त की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत व्यय 60,689 करोड़ रुपए किया गया है। वर्ष 22-23 की तुलना में यह वृद्धि लगभग 29% है।